सो स्वादिष्ट चिली पटाटो गर्मा गर्म और एकदम क्रिस्पी खाने के लिए एकदम तैयार है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरीके के स्वादिष्ट चिली पटाटो खाने हैं तो मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ, बट प्लीज उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पटाटो की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 6 बड़े आलू, 2 शिमला मिर्च, 4 प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में ग्रीन चिली। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कैसे हम इन सबको कट करेंगे और उसके बाद की प्रोसेस आगे क्या होगी। ध्यान रखिएगा कि आलू थोड़े बड़े लीजिए ताकि फिंगर फ्राइज अच्छे साइज़ के हों। तो मैंने सारे आलू छिल लिए हैं, ये देखिए प्याज के भी टुकड़े कर लिए हैं। प्याज को 3 हिस्सों में काटिएगा, थोड़े बड़े पीस लीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ग्रीन चिलीज को भी हम कट करेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल में डाला है ज़ीरा और हम इसमें लगाएंगे तड़का। पहले हम बनाएंगे सब्जियों का वेजिटेबल पेस्ट। ये हमने डाली है हरी मिर्च, तड़के में डाली है क्योंकि ये चिल्ली पटैटो होते हैं, इसीलिए तड़के में ही आपको मिर्च डालनी पड़ेगी ताकि पूरे ऑयल में चिल्ली का स्वाद रहे और आपका चिल्ली पटैटो जैसा टेस्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा मिलने देंगे। अब हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ये पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप इसकी जगह नॉर्मल जिंजर और गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम अच्छी तरह जिंजर गार्लिक को पकने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ध्यान रखिएगा कि प्याज थोड़ा बड़े पीसेस में काटिए, तभी अच्छे से इसका स्वाद आएगा। अब हम इसे करते हैं मिक्स। कोई भी चीज़ जब भी आप डालें तड़के में तो उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि उस चीज़ में अच्छा पूरा तड़के का फ्लेवर आ जाए। अच्छे से घुमाइए, अच्छे से पका लीजिए इसको। तो देखिए प्याज पूरी तरह पक चुका है। थोड़ी देर हम इसको वार्म होने देंगे और अच्छी तरीके से पकने के लिए कि थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, इसको भी हम अच्छी तरह तड़के में घुमाएंगे ताकि तड़के का फ्लेवर शिमला मिर्च के अंदर भी आ जाए, जैसे हमने प्याज के टाइम पर किया था। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। जितने अच्छे से आप इसको पकाएंगे और मिक्स करेंगे तड़के के साथ उतना अच्छा होगा। अब हम ऐड करेंगे टमाटो सॉस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटो सॉस ऐड कीजिएगा, आप इसकी जगह चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़े ज़्यादा मिर्च वाले चाहिए। टमाटो सॉस अच्छा फ्लेवर देती है, कलर भी अच्छा देगी चिली पटाटो में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जियों को तड़के के साथ जो भी चीज़ हम डालेंगे मिक्स करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो कभी भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये अब मिक्स हो चुके हैं, देख रहे हैं आप रेड रेड कलर आ रहा है शिमला मिर्च के ऊपर भी और प्याज के ऊपर भी। अब देखिए ये कटोरी में मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है 1 चम्मच और साथ में पानी डाला है और एक पेस्ट बनाया है, प्यूरी बनाई है, ताकि वो ये जो आपने चिली पटाटो के लिए सब्जियां फ्राई करी हैं इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए, ताकि जब आप इसमें फ्राइज़ डालें तो वो ख़राब ना दिखे। अब ये देखिए मैंने फ्राइज़ की तरह काट लिए हैं जो आलू छिलके मैंने आपको दिखाए थे। अब मैं इसमें हल्का सा मैदा ऐड करूँगी। मैदा ऐड करने से ये जो फ्राइज़ हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनती हैं। ये मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया और देखिए इस तरीके से आप पानी मत डालिएगा, फ्राइज़ को अच्छे तरीके से मैदे में साफ़ कर ली, अच्छे से रख लीजिएगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल ऐसा एक थिन लाइन आनी चाहिए पोटैटो क्रिस्प के ऊपर। तो ये हमने डाल दिया है। ऑयल मैंने पहले ही कढ़ाई में गरम कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा तेज़ होना चाहिए जिससे उसकी पोटैटो क्रिस्पी रहे, फ्राइज़ एकदम हमारे क्रिस्पी रहें। इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगी, इन्हें डीप फ्राई करना है तो कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। देखिए ये हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, दैट मीन्स ये पकने वाले हैं। हम इन्हें थोड़ा और पकाएंगे।
इन्हें हिलाते रहिए साथ साथ ताकि ये जले ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इनका कलर जब गोल्डन होगा तभी हम इनको बाहर निकालेंगे। एकदम अच्छे से फ्राई होने चाहिए। तो देखिए मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, कलर एकदम गोल्डन हो गया है। इस तरीके का कलर होना चाहिए तभी आपके फ्राइज अच्छे लगेंगे जब हम इसे वेजिटेबल प्यूरी में डालेंगे। ये मैंने निकाल लिए हैं बाकी सारे बाहर। इस तरीके से आप ऑयल नहीं छोड़िएगा, ऑयल भी रह जाएगा तो वो भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो ऑयल को अच्छे से पोर कीजिए, उसको गोल्डन ब्राउन कीजिए फ्राइज़ को, और इसमें हल्का सा मैदे की पेस्टिंग कीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपके जो फ्राइज़ हैं वो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अब जो टमाटो प्यूरी हमने रखा था उसमें हम ये फ्राइज़ डाल देंगे। ये हमने सारे फ्राइज़ जो भी फ्राई किए थे वो सारे इस टमाटो वेजिटेबल प्यूरी में डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन फ्राइज़ पे इस वेजिटेबल प्यूरी का कलर आ जाए और टेस्ट भी आ जाए। तो हमने मिक्स कर दिए और देखिए आपके क्रिस्पी चिली पटैटो तैयार हो गए हैं, रेडी टू सर्व हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे इसको बनाने में। एज अ इवनिंग स्नैक आप इसको खा सकते हैं या कभी भी आप जल्दी अच्छा खाना चाहें तो बना के खा सकते हैं।